ते नमः। ओ हो श्री श्याम देवाय नमः। आदि शक्ति पार्वती पतिये नमः। तमाम शक्तियों से इजाजत में इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले। श्याम बाबा का मंदिर बंद है हम लोगों के लिए, अंदर नहीं जा सकते हम लोग, मगर इस हवा को कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने से। क्या पता जो ताली हिसार में बजाए वो ताली हवा में बहती बहती मंदिर के अंदर चली जाए। जो आवाज यहां लगाए वो मंदिर में चली जाए, जो अर्जी यहां लगाए वो मंदिर में चली जाए। उठाए जरा मनोहर और मिलकर ताली बजा कर गा दो। आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो जी आवो, आओ जी आवो, आवो जी आवो, आओ जी आओ, आवो जी आवो, आओ जी आओ, आवो जी आवो, आवो जी आवो। भाई पूरी साउंड शार्प है, बेस खोलो, पूरी साउंड खोलो, पूरी साउंड शार्प। आवो जी आवो, 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 आवो जरूरत
नहीं आई। बम बम देखो भैया खड़े मत रहे प्लीज, आई व्यर्थ में मत खड़े रहे प्लीज, बैठ जाओ। बम 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 वृंदावन की पूरी आवाज आ रही है, बरसाना शांत आवाज आए बम 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 बम। कई लोग होते हैं जो राम का नाम लेने में भी शर्माते हैं, हिंदू होकर भी राम राम लिखो तो गुड मॉर्निंग लिखते हैं, सत श्री अकाल लिखो तो गुड इवनिंग लिखते हैं। राम राम का जवाब क्या होता है, क्या होता है? वो हिंदू नहीं, वो दोगले हिंदू होते हैं जो राम की जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो नाम ना ले राम का, जिनको शर्म आती हो राम का नाम लेने में, जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो महाकाल के बच्चे हैं दोनों हाथ उठाकर गाना ओम नमः शिवाय बोलो, टॉप में बढ़ाओ। जब स्टार्टिंग में आया था तब वॉल्यूम ठीक था, मेरे गाते ही कम हो, बढ़ा दो थोड़ा भाई, यहां नहीं है। शिव सामा बस ऐसा रखो यार, तुम्हें भी मजा आए मुझे भी मजा आए, आजकल वैसे भी तुम्हें कहने का कोई दौर नहीं बचा है, इसलिए शांति से खड़े हैं भाई। तुम गवाओगे गालेंगे भाई। शिव सामा शिव समा दाता नहीं विपद विदारण हा, 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 विपद विदारण हा। लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो, सिर्फ भोले के भगत हाथ उठाकर कहना मेरे नंदी के स्वाद, 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 नंदी के स्वाद। एक बार गाना ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कितनी बार गाया, और यहां लगभग 10,000 से भी ज्यादा भगत हो चुके हैं, पंडाल पीछे तक। केदारनाथ में एक बार गाते हैं ना एक बार तो 20,000 बार लगता है, उस धाम की महिमा है। आज देखो हिसार भी केदारनाथ से कम नहीं है, यहां एक बार गा रहे हैं तो 20,000 बार गाया जा रहा है। आप सबने बनाया, जो जो मानते हैं भोलेनाथ को, ताली नहीं बजानी डमरू बजा के मिलके गाना ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। दुनिया जानना चाहती है आप दरबार में आते हो क्या इन बच्चों को आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता, क्या आपको मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं बता दूं, जब भी आप कीर्तन में आते हो या जब आपका जन्म हुआ, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जन्म हुआ नई जिंदगी मिली, कीर्तन में आए तो भी नई जिंदगी मिली, एक ही बात है दोनों, कोई फर्क नहीं है। चार शक्तियां हमारे साथ चलती है, चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए, आगे कौन चलता है? कुल देवता, जो हिंदू है जो सनातनी है। हमें हिंदू होने का परिचय देने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है,
हमारे माथे का तिलक और हाथ की मौली का धागा बता देता है हम कौन है भाई। चार शक्तियां चलती है हमारे साथ, आगे कुल देवता, पीछे इष्ट देवता, दाएं बाएं कुल देवी और ऊपर पितर जी महाराज। पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज। इससे बड़ा इंश्योरेंस होगा, इससे बड़ा इंश्योरेंस होगा, लेकिन हम भूले बैठे, हम याद ही नहीं करते। ना हमें कुल देवी से मतलब, ना हमें इष्ट देव से मतलब, ना कुल देवता से मतलब, बस याद करा करो। कुल देवता कौन होते हैं मेरे नौजवान भाई? जब हम पैदा हुए, सुधबुद्ध संभाली, तो घर के अंदर जो भगवान की तस्वीर थी, जिसे दादा परदादा पूज रहे थे, वो कुल देवता। और जब हम एक तस्वीर लेकर मंदिर में आ गए श्याम बाबा की, तो वो इष्ट देवता। कुल देवी माताएं बहने ध्यान देना, जमीन, प्रॉपर्टी और औलाद, ये तीन चीजें बिना कुल देवी की कृपा के नहीं मिलेगी। अगर डॉक्टर कहता है कि गोद नहीं भरेगी, उसको चैलेंज कहके आना कि गोद भरने का डिसीजन तो उसका है, और वो मेरी कुल देवी है, वो मेरी गोद भर कर देगी। ये कुल देवी है, श्याम बाबा भी, बालाजी भी, कोई पीर, कोई फकीर, आपकी झोली भरेगा तो बिना कुल देवी की इजाजत के आपकी झोली नहीं भर सकती। अपनी कुल देवी को याद रखना, वो आपको सदैव आपका साथ देगी। और चौथी शक्ति जिसे हम भूले बैठे हैं, पितर जी महाराज। पितर जी महाराज, 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 पितर जी महाराज। पितर, आज किसी भी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता, मेरी बात नहीं बनती, क्या बोलेगा? तीसरे मिनट में ही, ओहो थारा तो पितर नाराज है और कुछ नहीं, तुम्हारे तो पितर नाराज। लेकिन उसको पूछना, दाता मेरा, परदाता मेरा।